साल की सभी एकादशी में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि संचालन का भार महादेव पर होता है। अगले 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो इस साल गुरुवार 29 जून को है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी माना गया है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, प्रबोधनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी व्रत को श्रेष्ठतम माना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस विषय में पद्म पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी तक 4 मास की अवधि पाताल लोक में निवास करते हैं। अतः इस दौरान कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत आदि वर्जित बताया गया है। हालांकि इस साल सावन महीने में अधिक मास पड़ने की वजह से सावन 2 महीनों का होगा और चातुर्मास 5 महीनों का। इस दिन प्रातः स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु का जलाभिषेक कर उनका ध्यान करें, उन्हें फूल, चंदन, नक्षत्र, नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारे और पीपल के पेड़ की पूजा भी करे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।